प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की किताब इंग्लिश के पहले पार्ट द फार्म हाउस काउज पार्ट टू का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी में उच्चारण करूँगा, ध्यानपूर्वक सुने। लेसन नंबर वन, द फार्म हाउस काउज पार्ट टू। एट टी टाइम चाय के समय, मदर सर्वर ई लोफ ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल विद होम मेड जैम। माँ ने घर पर बने जैम के साथ एक पाव रोटी दी। यूजुअली देयर वर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर। आमतौर पर ब्रेड और मक्खन के स्लाइस होते थे। लुक राजेंद्र, देखो राजेंद्र, द काउ हैज सेंट मी ए प्रेजेंट टू, गाय ने मुझे भी उपहार भेजा है। मदर लिफ्टेड अप द लिड ऑफ द चीज डिश एंड अंड्रिंक। राजेंद्र सा ए बिग लंप ऑफ होम मेड चीज। माँ ने पनीर डिश के ढक्कन को उठाया और नीचे राजेंद्र ने एक घर का बना पनीर का बड़ा ढेला देखा। मदर कट फॉर हर्सेल्फ ए पीस ऑफ चीज एंड सेड इट वाज डिलीशियस। माँ ने अपने लिए पनीर का एक टुकड़ा काट लिया और कहा कि यह स्वादिष्ट था। मे आई पुट सम ऑन माई लॉग, क्या मैं अपनी पाव रोटी में कुछ डाल सकता हूँ, सेड राजेंद्र ने कहा। ओह माय गॉड, ओह हे भगवान, सेड राजेंद्र ने कहा। What a nice, friendly creature the cow is, गाय कितना अच्छा मित्रवत प्राणी है। I will not hate it anymore or be frightened of it.
मैं इससे और नफरत नहीं करूंगा और न ही इससे डरूंगा। देयर इज नो रीजन टू बी, डरने का कोई कारण नहीं है। सेड मदर, माँ ने कहा, आई शैल गो एंड स्टैंड ऑन द गेट दैट लीड्स टू द काउ फील्ड्स एंड से थैंक यू टू द काउ। मैं गायों के खेतों की ओर जाने वाले द्वार पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा और गायों को धन्यवाद कहूंगा, सेड राजेंद्र। राजेंद्र ने कहा, आई डिड नॉट नो दे वर सो काइंड, मुझे नहीं पता था कि वे इतनी दयालु हैं। एंड नाउ राजेंद्र इज नॉट ए बिट अफ्रेड ऑफ काउ, और अब राजेंद्र गायों से डरता नहीं है। एंड ही लाइक्स देम वेरी मच। ही सेज दे आर हिज फ्रेंड्स, वह कहता है कि वे उसकी दोस्त हैं। व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं? इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।